गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निसागर एजुकेशन। आज हम क्लास फर्स्ट यूनिट 8 नंबर्स फ्रॉम 21 to 50 को रीड करेंगे, एक्सप्लेन कर बताएंगे। नंबर टू फ्रॉम 21 से टू 50 तक, ठीक है। तो हमने वंस और टेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली संख्या क्या होती है हमारी, टेंस, और जो रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वंस। जैसे ये 10 का एक बंडल है, तो ये क्या हुआ हमारा, टेंस, मतलब टेंस का एक बंडल है। दो बंडल होते तो टू टेंस होते, ये एक बंडल है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वन टेन। और ये कितनी स्टिक्स बची है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी स्टिक्स बची है हमारी, 8। तो ये क्या हुए हमारे, वंस हुए, ठीक है, O N E S, वन। तो ये क्या हुआ, 1 8 1 10 8 1, तो ये क्या हुआ, 18। इसी प्रकार ये देखिए, ये कितना बंडल बना, एक बंडल, जिसको हम यहाँ लिख लेंगे एक। और ये कितनी स्टिक्स बची, 5 1 2 3 4 5, तो ये होगा हमारा 15। इसी प्रकार एक बंडल ये है, और ये कितनी स्टिक्स बची है, 6, तो 1 6 16, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए हम बताते हैं, 10, ये क्या लिखा है, 10, ये वन बंडल है तो 1 10, और 4 स्टिक्स है तो ये 4 1, तो ये कितना हुआ हमारा, 14, ठीक है। इसी प्रकार 1 10 5 1, तो 1 10 5 1, ये क्या हुआ, 15। तो 1 10 हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया हमारा, 1 10, 10 का एक बंडल। और कितनी स्टिक्स बची है हमारी, 5 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा हमारा, 1s, तो ये कितना हो गया, 15, 1 10 और 5 1s, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, ये क्या है, एक बंडल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 10, और ये कितनी स्टिक्स बची है, 2, तो ये क्या होगा हमारा, 2 1s, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए, 2 10s है ये, तो 2 10s है तो 1 10 होता तो एक बंडल होता, 2 10 है तो 2 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल ये होगा 10 का, फिर एक और बंडल बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा हमारे 2 बंडल, तो ये कितना हो गया हमारा, 2 10s, और 0 या बंस नहीं है तो 2 0, तो ये कितना हो गया हमारा, 20। यदि स्टिक्स और होती यहाँ पर, 5 या 4, तो या 2, तो यहाँ होता 22, 3 स्टिक्स होती तो उसको लिखते हम 23, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए, ये कितने बंडल है हमारा, 1 10, और ये कितने स्टिक्स बची है हमारी, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारी, 1 9 19, ओके। अब इधर देखिए, 2 10s है, तो यहाँ हमने कितने बंडल बना लिए, 10 10 के 2 1 और 2, और ये 1s है, ठीक है, 2 है, तो ये कितने बचे हैं, 22, इसको क्या बोलेंगे हम, 22, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राइट दी नंबर्स, ये क्या है हमारा, 2 10s, तो ये कितने बंडल है हमारे, 2 10 10 के 2 बंडल है, और कितनी स्टिक्स बची है यहाँ पर, 5, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 25, 10s और 1s, ठीक है। यहाँ पर कितने बंडल हमारे, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 10s, क्यों 3 बंडल होगा 10 10 के, वैसे तो इसको क्या बोलेंगे हम, 30, और हम क्या बंडल को गिनते हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 10s और 3 1s, 33। उसी प्रकार देखिए, 2 10s है तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2, और 3 1s है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 23। पहली संख्या हमारी 10s होती है, दूसरी हमारी 1s होती है। इसी प्रकार यहाँ पे कितने 10s दिख रहा है हमको, 1 2 3 4, 4 10s और 2 1s, तो ये क्या हो गया हमारा, 42। इधर कितने 10s दिख रहा है हमको, 1 और 2, 2 बंडल दिख रहा है, 2 10s, और स्टिक्स कितनी है हमारी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये कितने होगा हमारे, 26। ये क्या है हमारा, 1 2 3 4, 4 बंडल्स है, और 1s कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 46। फिर यहाँ पर कितने बंडल है हमारे, 4, और 1s क्या है, कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, 0, 40 यही लिखा आएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये क्या है, 3 10s है, और कितने, सॉरी कितने 1s है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया हमारा, 37। ये कितने 10s है यहाँ पर हमारे, 3, और 1s कितने यहाँ पर, काउंट करना हमको यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया हमारा,
9। यहाँ पर कितने टेंस के बंडल दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बंडल। वंस कितने, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर 46। इट्स वेरी इजी है, ये बहुत ही सिंपल, तो आप करिए। ये क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है हमको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 टेंस है और ये 1 वंस है, तो ये क्या हुआ 20 वंस। यहाँ 2 क्या है, टेंस है, और 1 वंस है। ये 2 टेंस है, ये 2 वंस है, तो टेंस क्या है 2, और वंस क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हुआ 22। ये क्या है हमारा, वंस, ठीक है। उसी प्रकार 2 टेंस है और 3 वंस है, 23 लिखा हमने इसको, ठीक है। 2 टेंस है, ये 4 वंस है, 24 लिखा। 2 टेंस 5 वंस तो 25। 2 टेंस 6 वंस 26। 2 टेंस 7 वंस 27। 2 टेंस 8 वंस 28। 2 टेंस 9 वंस 29। 2 टेन 110, तो ये 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पर वंस नहीं है, तो ये 30 हो गया। अब इसी प्रकार क्या है, 3 टेंस 11 तो 31। अब यहाँ क्या लिखना हमको, 3 टेंस, तो ये क्या होगा हमारा, और 2 वंस है, तो 3 टेंस को हमको ड्रा करना है, 3 बंडल ड्रा कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 ऐसे 10 10 के हमको 3 बंडल ड्रा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 बंडल होगा 3 टेंस के, और ये क्या है 2 वंस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 32। इसी प्रकार ये क्या, 3 टेंस है और 3 वंस है, तो 3 स्टिक्स ड्रॉ कर दे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 33। इसी प्रकार 3 टेंस 4 वंस तो 34। ये क्या है, 3 टेंस, फिर 3 बंडल बना दो हम टेंस के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 बंडल होगा हमारे टेंस के, कितने 5 वंस, ये क्या हो गया 35। 3 टेंस 6 वंस, 1 2 3 4 5 6, ये कितने होगा 6, तो ये क्या होगा 3 और 6 36। 3 टेंस 7 वंस, तो ये क्या होगा हमारा 37। ये क्या है, 3 टेंस 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा हमारा 38। ये 3 टेंस 9 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 39। 3 टेंस 110, 40, क्योंकि 3 बंडल ये और 1 बंडल ये है, तो क्या हो गया हमारा ये 40, ठीक है। इसका नंबर फ्रॉम 41 to 50। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ कितने बंडल दिख रहा है हमको, 4, और वंस कितना 1, तो ये क्या होगा हमारा 41। इसी प्रकार यहाँ कितने बंडल दिख रहा है हमारा, 4, और वंस कितने यहाँ पर 2, 1 2, तो ये क्या होगा हमारा 42। उसी प्रकार 4 टेंस और 3 स्टिक्स, ये क्या होगा हमारा 43। अब 4 टेंस तो 4 बंडल बना दो यहाँ पर 10 10 के, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 बंडल बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा होगा 4 टेंस और 4 वंस, तो इसको हम क्या लिखेंगे 44, ठीक है। ये 4 टेंस है और यहाँ पर कितने वंस है, 5, 1 2 3 4 5, तो ये होगा हमारा 45। यहाँ पर 4 टेंस है, 6 वन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया हमारा 46। ये कितने 4 टेंस और 7 वंस, तो ये हो गया हमारा 47, ठीक है। ये कितने टेंस है, 4 टेंस और 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 48। यहाँ कितने 4 टेंस, तो 4 टेंस के हमको 4 बंडल बनाना है 10 10 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छे सुंदर तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। 7 8 9 10, अच्छे सुंदर, ठीक है। 4 टेंस और 9 वंस 49। इधर कितने टेंस है, 4 टेंस और 1 10, ये क्या हो गया हमारा 50।
इसके बाद आता है राइट द मिसिंग नंबर। ये काउंटिंग दी है बच्चों 1 से 50 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर जो मिसिंग है जैसे 12 मिसिंग, तो 12 रख दिया हमने, 12, 13, 14, 15, 16 था, 17, 18, 19, 20 मिसिंग था, 21 मिसिंग था। अब 22 के बाद क्या था, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक हमको काउंटिंग यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, वंस और टेंस का बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।